हमारे यहाँ जो है ना पुलिस स्टेशन एक ही है, गड़बड़ एक ही जगह हुई थी, उसके साथ साथ जो है ना और एफआईआर जो है ना कई बना दिए गए, एक ही गड़बड़ एक ही क्राइम और एफआईआर कई। इसको जो है ना पलट के इसको तब्दील करके एक एफआईआर ट्रीट किया जाए। हमारे जो लोग सरकार में बैठे हैं उनका काम है, उनको करना है। कर्नाटक में गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का वो जो है ना सिर्फ 4.2% है। हमारी सरकारों में हमारी नुमाइंदगी बिल्कुल जीरो के बराबर है। और बीजेपी की सरकारों में 20 साल से बीजेपी की सरकार गुजरात में चल रही है और वहां नुमाइंदगी 11.7% है, तो हम क्यों पीछे हैं? 37 ACP से बैंगलोर में हमारी बदकिस्मती देखिए हमारे मुसलमानों की, कहीं भी जो है ना हमें इतना इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन 37 ACP में से किसी भी डिवीजन में हमारा कोई ACP नहीं है एक के अलावा, और वो एक ACP जो है माधेवपुरा में है, ही वॉज अपॉइंटेड बाई द बीजेपी लास्ट कॉल। हमारी गवर्नमेंट हमें कोई भी कहीं भी ACP बनाई नहीं है कि मुसलमान जहां से ये है इलेक्ट हुआ है, MLA इलेक्ट हुआ है, वहां हमारे रिजवान अरशद के अलावा कोई भी जो है ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान को नहीं रखा है। आज 150 पुलिस स्टेशन में सिर्फ हमें 4 है। देखो दूसरी कम्युनिटीज चिल्ला रही है, 20% 25% जो वोट दी वो कम्युनिटी जो है ना चिल्ला रही है कि हमारे ऑफिसर्स को जो है ना इग्नोर किया जा रहा है। हम 80% वोट दिए, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, हमने 80% वोट दिया है और हमारी नुमाइंदगी जीरो के बराबर है। इंडिपेंडेंट कोई भी हमारा DCP आज की तारीख में बेंगलोर में नहीं है। बीजेपी की सरकार में हमें नुमाइंदगी मिली, हमारी सरकार में हमारी नुमाइंदगी नहीं है। बेंगलोर सिटी के अंदर 150 पुलिस स्टेशन है, उसमें 120 पुलिस स्टेशन जो है ना रेगुलर पुलिस स्टेशन है और 30 पुलिस स्टेशन जो है ना ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है। अभी आज तक के आंकड़े ये बताते हैं कि इन सारे पुलिस स्टेशन में मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। 150 पुलिस स्टेशन में सिर्फ 4 मुसलमान हैं, 2 पुलिस स्टेशन में ये हैं, 2 रेगुलर पुलिस में हैं और 2 जो है ना ट्रैफिक में हैं। क्या है वो? CPI CPI हैं, चारों CPI हैं, 2 रेगुलर पुलिस स्टेशन में हैं और 2 जो है ना इसमें हैं ट्रैफिक में हैं। 37 ACP हैं बैंगलोर में। हमारी बदकिस्मती देखिए हमारे में मुसलमानों की, कहीं भी जो है ना हमें इतना इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन 37 ACP में से किसी भी डिवीजन में हमारा कोई ACP नहीं है एक के अलावा, और वो एक ACP जो है माधेवपुरा में है, ही वॉज अपॉइंटेड बाई द BJP लास्ट गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट हमें कोई भी कहीं भी ACP बनाई नहीं, हमारे 37 में से एक भी मुसलमान नहीं है। ACP असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस डिवीजन में लैंड ऑर्डर, हाँ लैंड ऑर्डर में। तो ये सवाल आपका होम मिनिस्टर से? नहीं, मैं होम मिनिस्टर से, मैं सरकार से है ये सवाल मेरा। सरकार हमें जो है ना, जो सरकार बनने से पहले आप हमारे रहनुमाओं से मिले, हमारे उल्मा से मिले, हमारे दूसरे लोगों से मिले और आपने ये वादा किया कि हर जगह हमें बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। अब 37 ACP में एक भी मुसलमान नहीं है, क्यों? क्या मुसलमान इसके काबिल नहीं है क्या? नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में एक ही डिपार्टमेंट में CID में 9 मुसलमान हैं ACP नॉन एग्जीक्यूटिव में CID में
सीएडी एक ब्रांच है, उसमें 9 मुसलमान हैं। क्या आप वहां से लेके जो है ना एक डिवीजन में पोस्ट नहीं कर सकते थे? और सबसे ज्यादा हम बदकिस्मती की बात यह है कि मुसलमान जहां से ये है इलेक्ट हुआ है, एमएलए इलेक्ट हुआ है, वहां हमारे रिजवान अरशद के अलावा कोई भी जो है ना अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमान को नहीं रखा है, मुसलमान खुद मुसलमान को नहीं रखा है, न चामराजपेट में है, न शांति नगर में है, है? इनके यहां जो है ना हमारे अरशद साहब के यहां जो है ना रिजवान अरशद के यहां जो है ना एक उन्होंने रखा है। क्यों? क्या हमारे मुसलमान, अभी एक बात हुई थी कि कुछ दिन पहले मिनिस्टर कह रहा था कि जो पोस्टिंग होती है, हमने सवाल भी किया था उनसे, पूछा कि भाई क्यों मुसलमानों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उसने पे कहा कि दो एमएलएस जो लेटर लिखता है उसके ऊपर हमें पोस्टिंग दे रहे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे लोगों ने मुसलमान को रिकमेंड नहीं किया। मिनिस्टर का कहना यह है कि एमएलए के आर्डर लेटर के ऊपर हमें पोस्टिंग दे रहे, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक दे रहे, तो ऐसा क्या होगा हमारे मुसलमान एमएलए को जो अपने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने मुसलमान को रखना नहीं चाहते? अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-5 पुलिस स्टेशन तो है, वहां तो आप अगर कहीं बाहर नहीं मिल रहा है तो गैर कौम अगर हमारे लोगों को रिकमेंड नहीं कर रही है, एमएलए उनकी कोई परेशानी होगी वो नहीं कर रहे, लेकिन आप तो कर सकते थे ना, आप क्यों नहीं कर रहे? आप अपने यहां क्यों नहीं रख रहे? इतने ये होने के बाद 150 पुलिस स्टेशन में सिर्फ हमें 4 है? देखो दूसरी कम्युनिटीज चिल्ला रही है, 20-25% जो वोट दी वो कम्युनिटी जो है ना चिल्ला रही है कि हमारे ऑफिसर्स को जो है ना इग्नोर किया जा रहा है। हम 80% वोट दिए, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, हमने 80% वोट दिया है और हमारी नुमाइंदगी 0 के बराबर है। जो आपने जो वादा किया था उस वादे को पूरा क्यों नहीं कर रहे? बेंगलोर के अंदर 12 जो है ना डीसीपीस हैं, बेंगलोर में 12 डीसीपीस हैं, 12 में एक भी हमारा डीसीपी नहीं है। एक आईपीएस ऑफिसर, उनको जो है ना एक ट्रैफिक में जो है ना एक लेडी फातिमा, शायद फातिमा उनका नाम, फातिमा रिदा कुछ नाम है, उनको उन्होंने इसमें पोस्ट किया था ट्रैफिक साउथ में, साउथ डिवीजन ट्रैफिक में पोस्ट किया था। दूसरे दिन उनका ऑर्डर विड्रा कर लिया सरकार ने, विड्रा कर लिया उनका ऑर्डर। आहत को कहा था, आहत साहब को, कि वो साउथ में उनको पोस्टिंग दे रहे डीसीपी साउथ, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, ले जाके उनको क्राइम में डाल दिया, डीसीपी क्राइम। डीसीपी क्राइम का कोई भी कॉन्टैक्ट, पब्लिक कॉन्टैक्ट नहीं होता। ये पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एडिशनल कमिश्नर क्राइम के अंडर काम करना है उनको, इंडिपेंडेंट कोई भी हमारा डीसीपी आज की तारीख में बेंगलोर में नहीं है। बीजेपी के सरकार में हमें नुमाइंदगी मिली, बीजेपी के सरकार में हमें नुमाइंदगी मिली, हमारी सरकार में हमारी नुमाइंदगी नहीं है। सबसे ज्यादा मुसलमानों को परेशानी कहां होती है? पुलिस डिपार्टमेंट में। जब मुसलमान जब पुलिस स्टेशन में जाता है तो इतनी बदतमीजी से पुलिस वाले बात करते हैं उससे, अगर वहां हमारा एक आदमी कोई बैठा है तो उनकी हिम्मत नहीं होती इनके साथ बदतमीजी करने की। लेकिन हमारे यहां लोग हैं ही नहीं, वहां दे रहे हैं आप नुमाइंदगी नहीं दे रहे आप हमारे लोगों को। कर्नाटक में गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का वो जो है ना सिर्फ 4.2% है, 4.2% है हमारा रिप्रेजेंटेशन कर्नाटक गवर्नमेंट के अंदर। आपको ताज्जुब होगा गुजरात में हमारा परसेंटेज कितना है मालूम है? नौकरियों में, गवर्नमेंट सर्विसेज में 11.7% है।
गुजरात में 11.7% है, आप स्टैटिस्टिक निकाल लीजिएगा। जहां बीजेपी की सरकार है, हमारी सरकारों में हमारी नुमाइंदगी बिल्कुल जीरो के बराबर है, और बीजेपी की सरकारों में 20 साल से बीजेपी की सरकार गुजरात में चल रही है और वहां नुमाइंदगी 11.7% है, तो हम क्यों पीछे हैं? यहां कर्नाटक में 41 यूनिवर्सिटीज हैं, 41 यूनिवर्सिटीज हैं कर्नाटक में, 41 यूनिवर्सिटीज हैं, कोई भी हमारा वाइस चांसलर नहीं। पिछली सरकार में जो है ना, जब सिद्धरामैया 14 से 18 तक मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, उस टाइम पे जो है ना, हमारा एक मुसलमान राजा साहब तुमकुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए 2016 में, शायद 2016 से 2019 तक, 3 साल तक राजा साहब तुमकुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे बस। उसके बाद से इन 41 यूनिवर्सिटीज में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारे ये देखिए, ये काम जो है ना, हमारे लोग जो हम सरकार में बैठे हैं उनका है। अब अगर वो खामोश हो जाएंगे तो फिर बात कौन करेगा, वहां सरकार तक कौन आवाज पहुंचाएगा? अब पुलिस में हमारी हमारे जो रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में जीरो के बराबर है, कम से कम 10-12% तो होना चाहिए था। कहीं भी जो है ना, हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। एक एक अफसर जो है ना, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जो है ना, 4-4 साल से काम कर रहा है नॉन एग्जीक्यूटिव में, और दूसरी कम्युनिटीज का कोई भी अफसर जो है ना, 1 साल से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव में काम नहीं करता, एग्जीक्यूटिव में आ जाता वो, लेकिन हमारे लोगों को एग्जीक्यूटिव में लाते ही नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव में ही रखते हैं। तो जब आप सरकार बनने से पहले जो वादे किए थे, बाकायदा हमारा मुसलमानों का पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन पुलिस में देंगे, नौकरियों में देंगे, 4% को बहाल करेंगे, ये सब जो आपने वादे किए थे, अभी कब तक पूरे होंगे? ये चार परसेंट की बहाली में भी कोई भी ये नहीं है। देखिए हिजाब के मामले में जो है ना, ये कोर्ट के सामने है, यहां जो है ना लंबी सुनवाई होना है हिजाब के बारे में, मैं हिजाब के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। अब 4% रिजर्वेशन जो हमारा था, उस पर कोर्ट ने जो है ना ये लगाया, स्टे दिया। स्टे देने का मतलब ये हुआ कि हमारे फेवर में है, आज भी हम 4% के हकदार हैं और हमारा हक हमें मिल रहा है आज की तारीख में भी। सरकार को कुछ भी करना नहीं है इसमें, क्योंकि इससे पहले जो है ना, कई मठ वाले जो है ना सरकार से शिकायत करे, हमें छीन के दिया हुआ माल नहीं चाहिए, किसी दूसरी कम्युनिटी से छीन के जो दे रहे हैं आप, हमें ऐसी भीख नहीं चाहिए। ये कई मठ के लोगों ने, स्वामी जियों ने ये इस बात को सरकार तक पहुंचाया, और इस पे कोर्ट का स्टे भी है। सरकार को सिर्फ एक एफिडेविट फाइल करना है, कोर्ट में ये कहना है कि हमारी सरकार बनने के बाद और हमारी सरकार बनने से पहले भी, पिछली सरकार के सामने भी जो है ना कई रिप्रेजेंटेशंस आए, उसमें यह कहा गया कि ये कम्युनिटी से छीन के दूसरी कम्युनिटी को देना अच्छा नहीं है और हम ऐसी भीख नहीं पसंद करते। इसको कोट करके उनको यह कहना है कि हम जो है ना इस पे दोबारा विचार करेंगे, हम दोबारा विचार करेंगे इसके ऊपर, दोबारा हम कैबिनेट में इसको डिस्कस करेंगे। तो बाहर करने की जरूरत ही नहीं है वहां, आप जब आपका ये पिटीशन विड्रा कर लेते हैं, आप सरकार की तरफ से जो पिटीशन गया था उसको आप विड्रा कर लेते हैं, तो 4% हमारा रिजर्वेशन हमारे साथ हो गया और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। सिर्फ आपको एक अफिडेविट उसमें यह बताना है कि फला मठ, फला स्वामी जी, फला स्वामी जी, फला स्वामी जी ने यह कहा और वो किसी और कम्युनिटी से छीनी हुई भीख उनको नहीं चाहिए। इसलिए
सरकार इसे दोबारा जो है ना सोचना चाहती है इसके ऊपर, इसलिए जो है ना हम इसको विड्रा कर रहे हैं। और सरकार विड्रा करते हैं तो कोर्ट का स्टे खत्म हो जाता है वहां, और 4% हमारी बहाली हो गई वहां, 4% हमारे बहाल हो गए वहां। तो हमें छोटा छोटा काम है, ये बड़ा काम नहीं है इसे करने, लेकिन हमारी खयादत जो है ना सीरियस होना चाहिए, खयादत जो है ना उसको सीरियस होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई ये कर रहे हैं शोशेबाजी कर रहे हैं ये कर रहे हैं, आपको जो है ना कॉन्क्रीट जो काम करना है उसको करिए पहले है? जब आप अपने यहां भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक मुसलमान को नहीं चाहते तो हम कैसे ये कर लेंगे, दूसरा कौम दूसरे कौम वाले हमारे लोगों को ले लेंगे है? कैसे हम ये कर लें, तसव्वुर कर लें इस बात को, जब हमारी कौम के लोग ही लेना पसंद नहीं कर रहे तो दूसरे कौम वाले क्यों लेंगे। अब वो सवाल पूछेंगे भाई आपके MLS कितने लोगों को लिए हैं, मुसलमानों को कितने लोगों को ये दिए हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप मुसलमानों को कुछ दियो, तुम्हारे पास 4-5 पुलिस स्टेशन होते हैं, तुम्हारे एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-5-6 पुलिस स्टेशन होते हैं, हर मजहब को बांट के दियो, आप सिर्फ मुसलमानों को दियो बोल के नहीं कह रहा मैं, शेड्यूल कास्ट को भी दियो, शेड्यूल ट्राइब को भी दियो, लिगायतों को भी दियो, वकलिका को भी दियो, वहां मुसलमान को भी दियो। अब रहा डीजे हल्ली केजे हल्ली के ताल्लुक से, उसमें जो है ना एक एक बच्चे के खिलाफ 20-20, 25-25 FIRs है और हर केस में उसे अपियर होना पड़ता है। ये कानून है कि ये सारे FIR एक सिंगल FIR में तब्दील हो सकते हैं। अभी जगह रिसेंटली क्या हुआ था, नूपुर शर्मा का एक केस आया था, बीजेपी की जो ये थी प्रवक्ता थी, स्पोक्स पर्सन थी, जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की, उसमें जो है ना उसके पूरे देश में जो है ना उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने गई वो, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके उसने ये किया, अपना पक्ष रखा और कहा कि सारे केसेस सारे जितने भी FIR हिंदुस्तान भर में दर्ज हैं उसको एक जगह एक FIR माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट उस बात को मान ली और देश भर के सारे FIR जो है ना एक इसमें जो है ना क्लब कर दिया गया। मेरी भी डिमांड यही है कि 20-20, 25-25 FIR जो है ना उसको एक FIR में तब्दील करो, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है और जो है ना आपको ये जो है ना इसकी बात की इजाजत भी इसमें है, लॉ में है, कानून में इस बात की इजाजत भी है, तो आप इसको जो है ना ये बच्चों को हर बार कोर्ट कचहरी घूमने से, अगर एक दिन अगर वो ये अपियर नहीं हुआ तो दूसरे दिन उसके खिलाफ जो है ना वारंट निकल जाता है, तो इन सारे FIR को एक FIR में तब्दील करो। कितने भी सेक्शन हैं लगाइए, आप प्रूव करना वो बात की बात है, आपका काम है वो प्रूव करना, प्रोसिक्यूशन का काम है वो। जब तक जो है ना आप इसको एक FIR तस्लीम करके जो है ना एक FIR वो एक बार उसे जाना पड़ेगा, अपियर होना पड़ेगा, वो होगा कोर्ट में अपियर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट और ये एक ही नहीं, नूपुर शर्मा के केस में ही नहीं है, दो जर्नलिस्टों के केस में भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है और सारे FIR को जो है ना वेस्ट बंगाल के केस में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सारे FIR एक पुलिस स्टेशन में जमा हो जाए। तो इसी तरह है ना हमारे यहाँ जो है ना पुलिस स्टेशन एक ही है, गड़बड़ एक ही जगह हुई थी, उसके साथ साथ जो है ना और FIR जो है ना कई बना दिए गए, एक ही गड़बड़ एक ही क्राइम और FIR कई, इसको जो है ना पलट के इसको तब्दील करके एक FIR ट्रीट किया जाए। सेक्शंस कितने भी है, 25 में जितने सेक्शन है आप लगाइएगा, लेकिन उसको जैसा कि सुप्रीम कोर्ट दूसरे केसेस में किया है उसी तरह एक सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि आप कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप उसको करिएगा। सरकार को चाहिए कि वो फौरन अपने डिपार्टमेंट यानी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को इस बात की इत्तला दे और इस बात का इंस्ट्रक्शंस दे कि सारे FIR एक कमेटी बनाए, एक छोटी कमेटी बना के कमेटी के सामने रख के जो है ना वो सारे FIR जो है ना एक FIR में तब्दील करे, मर्ज करे। उससे
बच्चों का बड़ा फायदा हो जाएगा। पहल कौन करना है? सरकार करना है, हमारे जो लोग बैठे हैं उनका काम है, हमारे जो लोग सरकार में बैठे हैं उनका काम है, उनको करना है। मैं एक चीज आपके सामने रख रहा हूं, आपको आगे बढ़ाने का काम आपका है। कंसर्न मिनिस्टर को करना है ये। जब माइनॉरिटीज का मामला है तो माइनॉरिटी मिनिस्टर को ही करना है ना, आप करिएगा इसको। और इससे हमारे बच्चे बार 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 पुलिस स्टेशन इसे जाने के चक्कर में जो है ना, कोर्ट के सामने जाने के चक्कर से बच जाएंगे। एक FIR, अब ये कानून भी है, कानून भी इस बात की इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 फैसले अभी आ गए हैं, नूपुर शर्मा और 2 जर्नलिस्ट, आज तक के जर्नलिस्ट का भी मामला आया था, उसको अरेस्ट भी किया था, अरेस्ट करने के बावजूद भी सारे FIR एक जगह तब्दील हो गए, मर्ज हो गए। तो इसको एक ही पुलिस स्टेशन है, पूरे देश में नहीं है हमारे कोई, ये सिर्फ एक ही पुलिस स्टेशन है, एक ही जगह है। तो एक ही पुलिस स्टेशन में कई FIR है तो उसको मर्ज कर दीजिए, आप एक FIR में तब्दील करिएगा उसको। ये मेरी जो है ना पुरजोर सरकार से अपील है, और हमारे रहनुमा जो बैठे हैं वहां, उन लोगों को फौरी तौर पर इस पर अमल करना चाहिए और सरकार से बात करके इसको जो है ना एक FIR में तब्दील कराने के लिए जद्दोजहद करना चाहिए।